आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से समय के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से समय के लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आज आपके जीवन में प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई है और प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से प्रार्थना किया करते थे वो आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा। यदि आज प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रार्थना आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे, तो वैसे यदि आज आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको तुरंत जवाब मिलेगा, आपके प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हम जानते हैं प्रार्थना में वो सामर्थ्य और वो ताकत है। आज आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, दुख है, चिंता है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, घर में पैसे नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, अनेक प्रकार के जो बिजनेस करते हैं उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, आप विदेश जाना चाहते हैं, आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट, आपका अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम है आपके घर में, आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, आज खुदा आज आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इस प्रवचन को और प्रार्थना को अंतिम तक करिएगा और ध्यान से सुनिएगा ताकि आज आपके जीवन में प्रभु आपको ब्लेसिंग कर सकें, आपको आशीष दे सकें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जिस तरीके से यहाँ पर यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया था, जिस तरीके से लिखा है बाइबल में, दो स्थान जहाँ यीशु प्रार्थना करने के बारे में जिस तरीके से समान निर्देश देते हैं, जैसे मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 9 से लेकर के 13 तक, यहाँ पर यीशु कहते हैं तब आपको इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, स्वर्ग में हमारे पिता, जिस तरीके से आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे पृथ्वी पर पूरी होती है वैसे स्वर्ग में पूरी हो, आज हमें 2 जून की रोटी दे, या 2 दिन के समय जो परमेश्वर ने आज हमें ब्लेसिंग की है, हमें आशीष दी है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है और जैसे हमने अपने कर्जदारों को क्षमा किया, हमने हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को जो व्यक्ति हमारे प्रति किया है उसको हमने क्षमा किया, वैसे ही हमारा इस तरीके से आज कर्जा है, आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रभु आज हमें क्षमा करो, हमें ब्लेसिंग करें, हमें आशीष दे और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और शक्ति और सामर्थ और महिमा सर्वदा तेरा ही होता रहे। ये तो यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के बारे में अपने शिष्यों को बताया था। तो आज आपके जीवन में आपको प्रभु ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि हम जानते हैं लूका पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा था, यीशु का एक समान जिस तरीके से निर्देश आज हमारे जीवन के लिए प्रभु ने आज्ञा दी है और कहा है, साझा करते हुए कहा, जब एक इस तरीके से शिष्य और दूसरे में जब एक दूसरे को मिल करके जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जैसे एक दो व्यक्ति होते हैं वो दोनों मिल करके प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलेगा, आपको जवाब तुरंत मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपके घर में, आपके परिवार में, यदि आप पति और पत्नी बैठे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, या घर में अपने बच्चों के साथ मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं बैठे हैं, तो आज इस प्रार्थना को आप करिए ताकि आज आपके प्रभु में, आपके जीवन में प्रभु आपको ब्लेसिंग करें, आपको आशीष दें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, पिता आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, हमें प्रतिदिन की हमारी रोटी दो, हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करते हैं जो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं, और हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के प्रलोभन से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से आप बचाने वाले हैं। हालेलुया, तो ये बातें याद रखना है कि आज हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो सब परमेश्वर ने दिया है, आज परमेश्वर हमारे जीवन में जो जरूरत है वो भी परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की प्रार्थना में हमें जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बताया जाता है। यदि आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा का सामना करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि यीशु का यह निर्देश हमारे जीवन के लिए, आज्ञा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए दी है वो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति आज परमेश्वर ने हमें दी है, क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को ब्लेसिंग करता है, उन्हें आशीष देता है और उनके जीवन के हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करता है। हालेलुया,
धन्यवादी सू। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, हे परमेश्वर जो उचित है, उचित रूप से हमारे जीवन में जो आज अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, जो आज हमारे घर में पैसे नहीं हैं, दिक्कत है, चिंताएं हैं, आज हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आज हमारी प्रार्थना को सुन और हमें उत्तर दे। यदि इन प्रार्थना को आप सुनते हैं तो आपके जीवन में आपको प्रभु ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए बहुत सारी बातें और बहुत सारी प्रार्थनाएँ बताई गई हैं कि यीशु मसीह जब रातों में प्रार्थना किया करते थे और दिन में भी प्रार्थना किया करते थे, एकांत में प्रार्थना किया करते थे। इसीलिए एकांत में करते थे कि कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। हालेलुया। क्योंकि आज जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, अभी आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, अभी आप कर रहे हैं प्रार्थना को, तो आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति आ जाएगा, कोई ना कोई कारण आ जाएगा, जो आपका मन, आपका जो मन आपने प्रार्थना में लगाया है वो कहीं ना कहीं जाकर के उस व्यक्ति के ऊपर लगेगा। या कोई घटना घट जाती है, या आपके बच्चे आपके पास आ जाते हैं, आपको टच करते हैं, तो आपका मन कहीं ना कहीं अपने बच्चों के प्रति जाता है। या वो ऐसी कंडीशन में आपके प्रभु से प्रार्थना करना है तो आपको ब्लेसिंग पाना है, आपको आशीष पाना है, तो आपको एकांत में प्रार्थना करना है और खुदा आज आपके जीवन में आपका ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए प्रियो, जिस तरीके से आज हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर की प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं और ब्लेसिंग पाते हैं, आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं हमारे जीवन में, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि हे पिता हमारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर। तो आज जो भी हमारे अपराध हैं, जो भी गुनाह हैं, उसे परमेश्वर क्षमा करेगा, उसमें ब्लेसिंग करेगा, उसमें आशीष देगा और हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा हमारे जीवन में। चाहे जितनी सारी चिंताएँ हों, मुसीबत हों, परेशानियाँ हों, दिक्कत हो, अनेक प्रकार की बातें हों, लेकिन परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है और हमारे जीवन में हर प्रकार की विचारधारा को परमेश्वर बदलता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर, प्रार्थना करते हैं। पहले आपको मैं गवाही दिखाना चाहूंगा, आप इस गवाही को देखें ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मिथु नाग है। मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत आज मैं बहुत मुसीबत में थी। आज मुझे मेरा लोन देने का था और मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा था। और मैंने थैंक्स यीशु चैनल में पास्टर जी का प्रार्थना सुनता हूँ। आज मैंने सुबह को सुना, मैंने रो रो के प्रार्थना की जो प्रभु मुझे कहीं से भी मुझे आज पैसा जुगाड़ हो जाए। तो पास्टर जी का पानी पड़ा हुआ पिया और पास्टर जी का प्रार्थना सुना, उसमें मुझे पैसा मिल गया। मैंने बहुत बहुत इससे उससे मांगा लेकिन नहीं मिला, लेकिन बाद में पैसा मुझे मिला। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सुंदर समय के लिए आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं कि परमेश्वर जो भी हमने अपने जीवन में अपराध किया, गुनाह किया, आपकी नज़रों के सामने है पिता परमेश्वर। आपकी हर प्रकार की बातों को, हर प्रकार की आज्ञाओं को हम मानते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु आपने हमारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया है। आपकी विनती करते हैं, आपसे आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने एकलौते पुत्र को भेज करके आपने सृष्टि के लोगों को आपने चुना है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाया है, उनके हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के गुनाहों को, हर प्रकार के अपराधों को परमेश्वर आपने दूर किया है। उसके लिए आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज जो दुख में है, दर्द में है, परेशानियों में है, आज जो चिंताओं से आज बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ने रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे पिता परमेश्वर, ताकि आपका वो धन्यवाद कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी वंदना कर सके पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप प्रेम करने वाले हैं, आप जीवन देने वाले हैं, आप श्वास देने वाले, आप हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि परमेश्वर आपने इस पवित्र दिन के लिए ठहराया
बचाया है और आपने हमें जीवन और श्वास दिया, उसके लिए आपका दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे आज बहुत ज़्यादा उदास हो चुके, निराश हो चुके अपने जीवन में, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आज वो भयभीत हैं, आज वो डरे हैं, आज वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आज असुरक्षित समझते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें एक अच्छा मार्ग देने वाले हैं, उन्हें एक अच्छा रास्ता बताने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, इसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे अपने जीवन में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विभाग का क्यों ना हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन में ब्लेसिंग पाएं, वो आशीष पाएं, उनके घर में जो किसी प्रकार की घटी है उसे पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो बहुत सारी चिंताओं का सामना इस समय कर रहे हैं पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी इसीलिए प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आप उनके दुखों को आप ठीक करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को, जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं उसके लिए दुआ करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को मांगने वाले को आपने दिया है। उनके बेटे और बेटियाँ जो आज बिलखते हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आज जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जो दारू और शराब को पीते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, और लड़ाई और झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो हर प्रकार की बुरी आदतें, जो गंदी आदतें हैं पिता परमेश्वर, उसे दूर कर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं पिता, जो गवाही के माध्यम से पिता परमेश्वर अपनी गवाही को देते हैं, और जो व्हाट्सअप के जरिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग कर पिता परमेश्वर, जो अपनी गवाही को, अपनी प्रार्थना को भेजते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं। इसीलिए वक्त प्रार्थना करते हैं उनकी शैतानी ताकत उनके घरों से वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और जो अपने मन से आपके भवन में पिता परमेश्वर प्रभु बीज बोते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए पिता, क्योंकि आपने उन्हें सुरक्षित रखा, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानियों से आपने उन्हें सुरक्षित बचा के रखें पिता प्रभु। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर आपने उन्हें चुना है। आज जो बीमार हैं, जिनके हाथों में दर्द बहुत ज़्यादा है, पैरों में इन्फेक्शन हो गया, हाथों में हो चुका है, या फेस में हो चुका है, या चेहरे में किसी प्रकार कोई दाग धब्बा हो चुका है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से वो बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो अनेक प्रकार की जो खुजली टाइप में हो चुकी पिता परमेश्वर, इस वक्त उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके फेस से, उनके किसी भी बॉडी के पार्ट्स में, हिस्से में हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त उनके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, जो अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके घरों में टहलती हैं, उनके बिजनेस में टहलती है पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस में रुकावटें बनती हैं, उनके नौकरी में, उनके जॉब में पिता परमेश्वर, आज जो बेड पर लेटे हैं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त वो खड़े होने पाए, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। और जितने मेरे मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, आज उनके जीवन में उनके ढेर सारी ब्लेसिंग देने पाए, और जो ज्ञान और बुद्धि और समझ मांग रहे पिता परमेश्वर, उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, कि आप पिता परमेश्वर ज्ञान देने वाले हैं, आप बुद्धि देने वाले हैं, आप समझ देने वाले हैं उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय नादानी में कोई गलत काम कर जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, या अपने माता पिता का प्रेम नहीं समझ पा रहे हैं, या भाई बहनों के बीच में बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं, बहुत सारे भाई भाई के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन प्रभु आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आप आज़ाद करने वाले, उन्हें बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज के दिन के लिए, कि परमेश्वर उन्हें चुन, उन्हें आपने चुना है तो उन्हें आप रास्ता दिखाने वाले हैं, उन्हें एक मार्ग दिखाने वाले, ताकि वो चल सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी वंदना कर सकें यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए प्रभु आज उनके जीवन से वो हर प्रकार के कैंसर की बीमारी से आज पीड़ित है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी और बीजते अनेक प्रकार की समस्याएं, जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन से है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकाल दे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि शरीर से जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, जो भी अनेक प्रकार के पेट में अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कत है पिता परमेश्वर, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी कैंसर की जैसी बीमारी हो, अनेक प्रकार के लकवे जैसे रोगी हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो चंगे होने पाए, इसी वक्त वो ठीक होने पाए। इसके लिए हम आज्ञा देते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने जिस तरीके से परमेश्वर आपने सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया हम सभी पापियों को बचाने के लिए, आज हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उनके
जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकटों के लिए प्रभु हम आजाद करते यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आजाद होने पाए। जो अनेक प्रकार के नसों में आज पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा बेध चुके हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, उनके घर में बहुत सारी समस्याओं की बहुत समाधान पिता परमेश्वर आप करने वाले हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सअप नंबर के जरिए अपना SMS करते हैं, कमेंट के माध्यम से SMS करते हैं कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नशा होता है, बहुत ज़्यादा शराब पी जाती है, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े होते हैं। तो प्रभु उनके घर को चुनने वाले आप हैं, वो साफ करने वाले आप भी हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनकी बीमारियों से वो सब कुछ दूर होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लीजिए, एक गिलास, उसके बाद प्रार्थना करिए और अंतिम आज्ञा दीजिए, उसके बाद पानी पिलाइए। जो भी बीमारी होगी, जो भी बुखार होगा, जो भी पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की जो दर्द आपके शरीर में बॉडी में हिस्से में है, इसी वक्त वो चंगा होगा। जिसके फीवर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में जिस तरीके से पानी को उठा करके अपने इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए, जो भी समस्याएं आपके घर में, जो बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, या किसी प्रकार के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, या किसी प्रकार का दर्द महसूस यदि आपके बेटे या बेटियां करते हैं, आप करते हैं, या कोई भी करता हो, उसे आप पानी पिलाएंगे यीशु मसीह के नाम से, वो ठीक होगा। इसी वक्त वो ठीक होगा। अपनी गवाहियों को भी भेजेंगे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उसके शरीर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाएंगी। जैसे ये पानी को पिएंगे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं कि वह दूर हो पाए। वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, जो फंगल इन्फेक्शन पिता परमेश्वर फैल रहा है यीशु मसीह के नाम से, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इसी वक्त इनके शरीर से वो हर प्रकार की जो अनेक प्रकार की बीमारियां जो इलाज हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जिसका कोई इलाज नहीं पिता परमेश्वर, से आप ठीक करने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो शरीर से वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो बिजनेस काम धंधे, जो अनेक प्रकार के जादू टोने, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज ये पानी पीते ही ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज वो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते और अंतिम आज्ञा देते उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। प्रभु ने आपकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को देखा और सुना और समझा और उसे दूर भी किया। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस कलीसिया की मदद करते हैं और जिस तरीके से आप मदद करते हैं तो मदद आपका यही बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, आपके लिए बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपने इच्छानुसार आप बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो नंबर के जरिए भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, उसमें आप अपना बीज बो सकते हैं और QR कोड के माध्यम से भी आप अपना बीज बो सकते हैं। उसे परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा फल देगा, बहुत सारी आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।